बार जब नागपुर आओगे तो आपको मेरे साथ चलना है। मैं हर बार कहता था आज जाएंगे कल जाएंगे, मगर आज या आने के बाद मुझको लगता है कि मैंने आने में बहुत देर कर दी। मुजफ्फर भाई की जो नॉलेज है, मुजफ्फर भाई अब फार्मिंग के अंदर मॉडल के अंदर एक इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। आज ये आने के बाद में, देखने के बाद में, डॉक्टर साहब को मिलने के बाद में इस बात का एहसास हो गया कि अगर हमको किसान आत्महत्या रोकना है तो मुजफ्फर भाई का मॉडल महाराष्ट्र में, स्पेशली विदर्भ में जो करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ वो मॉडल के तौर पे नहीं ले रहे? नॉर्मली नागपुर जो है मौसम्बी और संतरे के लिए मशहूर है, संतरे के लिए मशहूर है, मगर मौसम्बी संतरे के साथ में गन्ना, गन्ने के साथ में सिनेमन, सिनेमन के साथ में ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के साथ में कैशोनट, कैशोनट के साथ में कोकोनट और सीताफल, तमाम जो चीज वो कर रहे हैं वो एक अपना एक ऐसा मॉडल है जो मुझको नहीं लगता है कि आजकल किसी ने भी इस तरह का प्रयोग जो मुजफ्फर हुसैन साहब कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में किसी ने किया होगा। दिस इज ए मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है जो आने वाले दिनों में विदर्भ का नक्शा बदल देगा, विदर्भ के शेतकरी का नक्शा बदल देगा। और जो आज किसान आत्महत्या करता है उसको कुछ पैसा नहीं मिलता है, नेचर फार्मिंग, जीरो इन्वेस्टमेंट, किसान को न यूरिया के लिए पैसा चाहिए, किसान को न खाद के लिए पैसा चाहिए, जो किसान जो है, जो शेतकरी जो है वो अपने जमीन से ही उसको करेगा। ऑर्गेनिक फूड अलग अलग तरह का उन्होंने प्रोसेस बनाया है, गौमूत्र को लेकर, गोबर को लेकर के, छाछ को लेकर के, तमाम चीज मैं 2-3 मिनट में इसका डेफिनेशन आपको बता नहीं सकता हूं, मगर एक बात जरूर जानता हूं यहां आने के बाद में कि यही मॉडल है जो महाराष्ट्र के किसान की काया पलट सकता है। मैं मुजफ्फर भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझको मुजफ्फर भाई यहां ला करके ये चीज आंखों से दिखाए और उसका एक्सपीरियंस मुझको करवाया। थैंक यू मुजफ्फर भाई, थैंक यू वेरी मच।